हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रवि प्रजापति और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल देव ऑटो सेंटर। दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, वीडियो में आज हम जो टॉपिक लाए हैं, हमारे पास है हीरो स्प्लेंडर BS4 बाइक। इसमें हम आपको दिखाएंगे इसके रियर ब्रेक पैंडल को कैसे चेंज किया जा सकता है या कैसे इंस्टॉल किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये इसका ओल्ड ब्रेक पैंडल है, जो देखिए यहाँ से टूट चुका है। ये ब्रेक पैंडल BS4 और BS6 में दोनों में ही लग जाता है। ये देखिए, ये बिल्कुल पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है, इसलिए हम इसमें न्यू ब्रेक पैंडल लगाएंगे। दोस्तों, हम लाए हैं न्यू ब्रेक पैंडल हीरो कंपनी का ओरिजिनल। दोस्तों, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये इसका न्यू ब्रेक पैंडल है। देखिए, इसका जो प्राइस है वो 850 रुपये दिखाया गया है। इसकी अनबॉक्सिंग हम आपको करके दिखाते हैं। ये देखिए, इसमें न्यू मॉडल का ब्रेक पैंडल आया है हमारे पास। दोस्तों, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये इसका न्यू ब्रेक पैंडल है, हीरो कंपनी का ओरिजिनल ब्रेक पैंडल है। ये देखिए, काफ़ी शानदार फिनिशिंग दी गई है कंपनी की तरफ से। और इसका जो रियर ब्रेक पैंडल है, देखिए इसमें कुछ फर्क आपको दिखाई देगा। यहाँ पर ये सिंबल नहीं दिया गया है, और वैसे तो ये सब इसका सेम ही है, बाकी का हिस्सा इसका सेम दिया गया है। और यहाँ की बनावट भी इसकी कुछ अलग टाइप से है, ये BS6 का है। तो चलिए, इसकी फिटिंग हम आपको करके दिखाते हैं। इसकी फिटिंग करने के लिए दोस्तों, ये देखिए, इस ब्रेक पैंडल को हमें ऐसे करके लगाना होता है। यहाँ पर ये जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये इसकी फ्रंट ब्रेक में आगे की साइड वायर लगी हुई है, ये कॉम्बी ब्रेक सिस्टम, यहाँ पर हमें लगाना होता है। इसे लगाने के लिए सबसे पहले हमें इस वायर को यहाँ पर लगा लेना होगा। ये देखिए, ब्रेक वायर हमने यहाँ पर लगाया है, इसके ऊपर की साइड। इसे हम यहाँ पर फिट कर देंगे। ये देखिए, यहाँ पर सेट बैठ चुका है। इसके बाद इसे हम ऐसे करके यहाँ पर लगाएंगे, और ये ब्रेक वायर हमें यहाँ पर रखनी होती है। ये देखिए, इसकी फिटिंग हमें यहाँ पर करनी होगी। ये जो आप पिन देख पा रहे हैं, इस पिन को हमें यहाँ पर लगाना होता है। ये देखिए, ये पिन हम यहाँ पर लगाएंगे। इसे लगाने के लिए ये जो पिन है, ये इसके मैन स्टैंड का पिन होता है। मैन स्टैंड के आर पार इसे हमें करना होता है। मैन स्टैंड को हम नीचे की साइड से लगाएंगे। ये देखिए, मैन स्टैंड हमने यहाँ पर लगाया है। ये देखिए, हल्का ग्रीस हमें इसकी पिन पर लगाना होता है, ताकि पिन जाम न रहे। इसे हम यहाँ पर लगाएंगे। देखिए, यहाँ पर लग चुकी है। इसके बाद इसके स्टैंड में इसकी पिन की हमें फिटिंग करनी होगी। ये देखिए, पिन यहाँ पर लग चुकी है। अब इसके बाद इसकी फिटिंग हमें करनी होगी। यहाँ पर इसका एक बोल्ट हमें लगाना होता है। ये जो आप बोल्ट देख पा रहे हैं, इस बोल्ट को हमें यहाँ पर लगाना होता है। ये देखिए, यहाँ पर लग चुका है। इसके बाद पीछे की साइड इसकी ये पिन हमें लगानी होगी। ये देखिए, ये इसकी पिन दी गई है। इस पिन को हमें यहाँ पर सेट करना होगा। इसके बाद पीछे की साइड से इसकी पिन को हम लगाएंगे। ये देखिए दोस्तों, पिन यहाँ पर लग चुकी है। इसके बाद इसके पीछे की साइड इसमें बारीक पिन हमें लगानी होती है। ये देखिए दोस्तों, ये काफ़ी अच्छी तरीके से लग चुकी है। इसके बाद इसके पीछे की साइड ये इसका स्प्रिंग है, और स्प्रिंग को हम यहाँ पर लगाएंगे। और इसके बाद ये इसकी भोगली यहाँ पर दी गई है। ये देखिए, यहाँ पर लग चुकी है। इसके बाद इसकी फिटिंग हमें इसके अंदर की साइड करनी होती है, और पीछे की साइड से हमें ये डिबली हमें यहाँ पर लगानी होगी। ये देखिए दोस्तों, ब्रेक पैंडल की जो फिटिंग है, वो काफ़ी अच्छी तरीके से हो चुकी है। दोस्तों, जो
हीरो स्प्लेंडर BS4 BS6 बाइक के रियर ब्रेक पैंडल की फिटिंग का वीडियो था, वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें, और साथ ही बेल आइकन की घंटी वाला बटन जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो की अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।